कोरोना काल में नवरात्रि का पूजन कैसे करें, हमें इसके लिए आवश्यक है देसी कपूर की, घी की, काली मिर्च की, इन तीन चीज की सामग्री लगेगी जो कोरोना काल में पूजा के लिए आवश्यक है। आप इस नवरात्रि काल में जो कपूर है उसको मां भगवती का धूप दे और उस धूप को पूरे घर में करें तो उसमें मां भगवती का आशीर्वाद आएगा। दूसरा, जो काली मिर्च का प्रसाद है जो तांत्रिक क्रियाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है वो मां को चढ़ावे और उसे चढ़ाने के साथ साथ मां के आगे अखंड दीप जलाए 9 दिन तक, क्योंकि अखंड दीप में जो अग्नि होती है वो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि के आगे कोई भी वस्तु कोई भी चीज वो नहीं रह सकती है, वो जल जाती है, अग्नि में वो सकती है। तो आपको नवरात्रि के प्रथम दिन से लेके नवरात्रि के अंतिम दिन तक ये अखंड दीप को जलाना है। और जो काली मिर्च आज आप चढ़ाते हैं तो आज जो माँ को काली मिर्च आपने चढ़ाई वो दूसरे दिन आप जब काली मिर्च को चढ़ाएंगे तो पहले दिन की काली मिर्च को आप ले लें और जो आपने अखंड दीप घी का जलाया हुआ है उससे आप एक चम्मच से घी ले लें और उस घी को जो काली मिर्च होती है उसको आप पीस लें और उसको अगर संभव हो तो दोनों नाकों के द्वार में डालें, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती। और अगर आप नाक में नहीं डाल पाते हैं तो उसे फिर मुंह से तो ले ही सकते हैं, तो और सोने के वक्त ले ताकि उसके बाद कुछ समय तक पानी नहीं पिए तो किसी भी प्रकार के कीटाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो आपको नवरात्रि में ये क्रियाएं करनी है। अगर आप इस प्रकार से माँ भगवती की पूजन करेंगे तो ये निश्चित है कि आप कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे और स्वस्थ बने रहेंगे।